फ्रेंड्स, अपन सब जानते हैं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है. वी नो दैट फॉर्मूला, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू बी क्यू वी. रेडियस ऑफ पार्टिकल इज एम वी अपॉन बी क्यू. सो अपने पास में एक है आयोनाइज्ड हाइड्रोजन और एक है अल्फा पार्टिकल. देखो, इट इज गिवन दैट मोमेंटम इज सेम. दोनों केस में मोमेंटम सेम होगा. सो व्हेन वी गो फॉर दैट रेशियो, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, वी हैव मोमेंटम पी एज सेम बी. हाइड्रोजन एटम का चार्ज होगा ई. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रेडियस ऑफ अल्फा, मोमेंटम इज द सेम एंड वी हैव दिस बी एंड वी हैव दिस चार्ज एज टू ई. इनको डिवाइड करेंगे, पी पी बी बी सब कट जाएगा. वी विल हैव दिस रेशियो 2:1 एंड देन द राइट ऑप्शन विल बी सेकेंड. सो दिस वॉज एन ईजी वन. एम वी अपॉन बी क्यू, एम वी एम वी, इसका चार्ज 1, इसका चार्ज 2. ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव क्वेश्चन ऑन परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर. इट्स वेरी क्लियर. हम लोग क्या करते हैं, जो इसकी पावर है उसके साथ परसेंटेज एरर को मल्टीप्लाई करते हैं. डिवीजन में हो या मल्टीप्लीकेशन में हो, एरर, परसेंटेज एरर इज ऑलवेज एडेड. सो व्हाट डू वी हैव, परसेंटेज एरर इन एक्स, वी हैव पावर ऑफ ए दैट इज 2 इनटू परसेंटेज ऑफ ए इज 1% प्लस बी का परसेंटेज एरर. बी का पावर है हाफ और परसेंटेज एरर है 2. सो हाफ दिस इज पावर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इज 2% प्लस वी हैव सी का पावर इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय सी का परसेंटेज एरर इज 3% प्लस डी का परसेंटेज, डी का पावर इज 3 एंड परसेंटेज एरर इज 4%. सो एडिंग दिस टोटल, 2 × 1%, हाफ इंटू 2%, 1/3 × 3%, 3 × 4%, एडिंग दिस वी हैव 16% टोटल. सो आवर राइट आंसर वुड बी थर्ड. सो वॉट इज द मेन थिंग, पावर मल्टीप्लाइड बाई द परसेंटेज. वी एड ऑल दिस ए बी सी डी, वी गेट द आंसर. स्टूडेंट्स, अपने पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अपने पास सिलेंडर दिया हुआ है, वर्टिकल कंडीशन में है. ये इसका एक्सिस है वर्टिकल, ये रोटेट कर रहा है ना, वर्टिकल प्लेन. अब अपने पास में ये पूछता है कि मिनिमम ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी मिनिमम कितनी हो कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे. अब आप सिंपल सी बात देखिए कि ये ब्लॉक है, इसके कारण एक स्यूडो फोर्स बाहर लगेगा. इस फोर्स को हम कहेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर. ये स्यूडो फोर्स बाहर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इसका अंदर लगेगा. इसमें एम जी फोर्स नीचे लगेगा, ये इसको अप्लाई करेगा, नीचे गिराने की कोशिश करेगा. और ये जो फोर्स है म्यू एन, ये हमारे पास ऊपर लगेगा. सो हमारे पास लेफ्ट इक्वल टू राइट, लेफ्ट इक्वल टू राइट. सो हमारे पास एन की जो वैल्यू है वो हो गई हमारे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर. म्यू एन इज गोइंग टू बैलेंस दिस एम जी. सो अगर हमने यहां पर एन की वैल्यू रख दी, म्यू इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एम जी, तो हमारे पास एम और एम डिलीट कर देंगे, ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी दिस वुड बी इक्वल टू जी अपॉन म्यू आर एंड दैट ऑल्सो अंडर रूट. इसमें जी की वैल्यू 10, म्यू की वैल्यू अपने पास में दे रखी है और रेडियस भी अपने पास 1 मीटर है. इसकी वैल्यू हम डालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर में 100. सो द राइट आंसर वुड बी 10 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज द फोर्थ आंसर. एक बार और, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर, एन इधर, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा, एम जी नीचे,
म्यू एन ऊपर, सो म्यू एन ने एम जी को संभाला, नॉर्मल रिएक्शन स्यूडो फोर्स. सो राइट आंसर इज फोर्थ. फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, एक कॉयल है, रेक्टेंगुलर कॉयल है, मैग्नेट के पास रखा हुआ है, 800 नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, एरिया दे रखा है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, और ये कॉयल को 90 डिग्री से टर्न करेंगे, तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम दैट इज ईएमएफ. तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इनिशियल फ्लक्स एन बी ए कॉस थीटा वन, 90 डिग्री से इसको टर्न करेंगे, फाइनल फ्लक्स जो होगा एन बी ए कॉस थीटा टू, चेंज इन फ्लक्स. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज चेंज इन फ्लक्स फाइव टू माइनस फाइव वन डिवाइडेड बाई टाइम विद अ माइनस साइन. ये लेंजेज लॉ के कारण फाइव टू की वैल्यू ये हमारे पास में है, कॉस थीटा टू एक हमारे पास में ये दे दिया है, कॉस 90 है कॉस थीटा टू की वैल्यू, कॉस थीटा वन की वैल्यू कॉस जीरो है, इसके अंदर में ये वैल्यूज डाल दी, एन बी ए इंटू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन अपॉन टाइम. नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू रखी 800, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू रखी 800, बी मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, एंड जो हमारे पास में टाइम दिया हुआ है दैट इज 0.1, दिस इज द टाइम. पुटिंग दीज वैल्यूज ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ वी सॉल्व दिस एंड वी गेट आर ऑप्शन एज 0.02 वोल्ट. ईजी था लेंज लॉ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्वेश्चन, 52 माइनस 51 अपॉन टाइम, कॉइल को 90 डिग्री चेंज करेंगे, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, फॉर्मूला एन बी ए कॉस थीटा. ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अपने पास में दो पार्टिकल दिए हैं ए एंड बी. हमारे पास एक पार्टिकल है लेट्स से ए और ये बी, दे आर बोथ मूविंग इन सर्क्यूलर मोशन, अलग अलग रेडियस दिए हुए हैं, एक का रेडियस अपने पास में आर ए है एंड एक का रेडियस आर बी है, लेकिन इनमें एक चीज दी है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम. सो टाइम पीरियड मतलब टी वन इज इक्वल टू टी टू, तो हमारे पास ओमेगा एंगुलर स्पीड जो होती है दैट इज 2π/T. देखिए एंगुलर स्पीड 2π/T, सो ओमेगा वन 2π/T1, ओमेगा टू 2π/T2, वेन टी वन इज इक्वल टू टी टू, ओमेगा वन इक्वल टू ओमेगा टू. तो अगर टाइम पीरियड सेम है फ्रेंड्स, तो अपने पास में एंगुलर स्पीड तो ऑटोमेटिक सेम हो जाती है, ना तो रेडियस का कोई फर्क पड़ेगा ना किसी और चीज़ का. सो एंगुलर स्पीड का सिंपल फॉर्मूला है 2π/T. 2π/T में अगर T1, T2 सेम है तो ओमेगा 1, ओमेगा 2 ये बिल्कुल सेम आएंगे. इजी क्वेश्चन था. ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक सोप बबल दिया है. हम लोग सब जानते हैं कि सोप बबल का एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है 4T अपॉन R, दैट इज द प्रेशर ड्यू टू द सोप बबल. अब यहाँ पर जो दिया है कि जो सोप बबल है उसका रेडियस दे रखा है 1 mm, लेकिन ये जो प्रेशर इनसाइड द सोप बबल है अगर ये Z0 मानते हैं, तो अगर वाटर के फ्री सरफेस के लिए भी अगर प्रेशर Z0 है. अब आप देखिए बबल के अंदर 4T/R, वाटर कॉलम का प्रेशर होता है H ρg. हम लोग सब जानते हैं प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम इज H ρg. इन दोनों को अगर हम बैलेंस कर लें तो ये जो इन्होंने Z0 मांगा है 4T/R सोप बबल के कारण, और H ρg ये हमारा वाटर कॉलम के कारण. तो अगर हम इन दोनों को बैलेंस करते हैं तो हमारे पास H निकल के आता है. इसके अंदर में हमारे पास जो डेटा दिया है 4, टेंशन हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, रेडियस हमारे पास 1 mm दिया है, 1 mm, इसको अगर हम लोग यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो अपॉन 1000 करेंगे, दिस इज इक्वल टू H ρg. रो और जी को हम यहाँ लाएंगे और डिवाइड जब करेंगे तो डेंसिटी यहाँ पर दे रखी है फ्रेंड्स, डेंसिटी की जो वैल्यू है आप देखेंगे कि वाटर के लिए डेंसिटी ऑफ द वाटर इज डेंसिटी गिवन एज 10 की पावर 3, जी की वैल्यू 10 दे देंगे,
ये 10^4 जीरोज हम यहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी विल फाइंड दिस आंसर एज 1 सेंटीमीटर. सिंपल था क्वेश्चन. एच रो जी वाटर कॉलम को 4T/R सोप बबल के प्रेशर से बैलेंस किया. 4T/R इक्वल टू एच रो जी, एच की वैल्यू निकालनी है, रो जी नीचे ले गए, कैलकुलेशन किया, 1 सेंटीमीटर आंसर है. ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स ग्रेविटेशन में हम लोग जानते हैं अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8. जैसे ही हम अर्थ के ऊपर जाएं या अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे जी की वैल्यू कम हो जाती है. हम लोग ये जानते हैं कि नॉर्मल एम जी विल बी द वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 200 न्यूटन, ये दे रखा है. ये पूछता है हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ, नीचे जाने पर जी की जो वैल्यू होती है दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - D/R. तो हम लोग को नया वेट निकालना है एम जी डैश, सो दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ पर तो हमने लिख दिया था एम जी, यहाँ लिखा एम जी डैश की वैल्यू एम जी इंटू 1 - D/R. डी की जो वैल्यू है अगर हम लोग ने देखा इधर 200 न्यूटन, दिस इज इक्वल टू एम जी, देन डब्ल्यू न्यू वेट वुड बी एम इंटू जी इंटू 1 - D. डेप्थ जो दे रखा है हाफ वे दे रखा है बच्चों, R/2/R. तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करते हैं इक्वेशन को, तो हमारे पास ये वैल्यू हाफ आती है, आर आर कट जाएगा, सो डब्ल्यू वुड बिकम 200/2, सो दैट बिकम्स 100 न्यूटन. सो हमारे पास जो हमारा आंसर है 100 न्यूटन, दैट इज 1. तो याद ये रखना है अर्थ के सरफेस पे नीचे अंदर जाते हैं जी की जो वैल्यू होती है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - D/R. इस फॉर्मूले को लगा के नया वेट निकालेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन 100 न्यूटन. ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ. डी ब्रोगलीज वेवलेंथ हम सब जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. एम वी को हम 2m into kinetic energy इस तरह भी लिख सकते हैं, और लैम्डा की जब हम लोग वैल्यू रखेंगे एच अपॉन अंडर रूट 2m, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ई इंटू वी नॉट. इन सब की जब वैल्यूज डालेंगे, H हम जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10^-19, इन सब की वैल्यूज डालते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है 12.27/√V0. ज़्यादातर बच्चे इस वैल्यू को डायरेक्ट याद रखते हैं 12.27/√V0. खैर ये एक सिंपल सा अपना कैलकुलेशन है, बट अगर ये याद रखा जाए तो देर इज़ नो हार्म. वैसे द प्रॉपर प्रोसीजर इज दिस, ऑल दो ये रहेगा तो लेंथ ऑफ दैट सॉल्विंग टाइम इज रिड्यूस्ड, तो ये बहुत टाइम बच जाता है. अब अपन ने इसमें अंडर रूट वी नॉट की वैल्यू रखी बहुत सिंपल तरीके से 12.27, ये आंसर एंगस्ट्रॉम में आता है अगर हम लोग ने ये वैल्यूज को यूज़ किए तो, अपॉन अंडर रूट वोल्टेज जो दे रखी है हमारे पास, जो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 10,000. सो इसके लिए दो जीरोज बाहर आएंगे, एंड ये वैल्यू वैसे एंगस्ट्रॉम में था, एंगस्ट्रॉम इज ऑलरेडी 10^-10, 2 जीरोज और निकल के आएंगे, सो आवर आंसर वुड बिकम 12.2 × 10^-12. इसमें हम आके देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन आता है थर्ड. सो फ्रेंड्स ये इजी और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था. डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27/√V0. कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, इसके लिए इस फॉर्मेट में नीट वाले बच्चे याद रखें तो इसमें कोई बुराई नहीं है. ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अपने पास दो पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग चार्जेस हैं. देखो पहला वाला है जिसमें प्लस लैम्डा अपने पास में दे रखा है, चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा दे रखा है, और माइनस लैम्डा दो दे रखे हैं. इनके बीच पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है. क्वेश्चन इजी है, अपने को लाइन वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2K λ/R, K की वैल्यू
वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन लगाने पर लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर। तो इस जगह पर अगर हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के देखें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ऊपर वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी, वो होगी टू के लैम्डा अपॉन आर, और नीचे वाले के कारण भी ये पॉइंट इसको नीचे खींचेगा, सो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2k लैम्डा अपॉन आर। ये दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगी, ऊपर वाला भी नीचे रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज भी इसको खींचेगा। सो जब ई नेट निकालेंगे, ई नेट तो हमारे पास निकलेगा 2k लैम्डा अपॉन आर प्लस 2k लैम्डा अपॉन आर, सो दैट इज इक्वल टू 4k लैम्डा अपॉन आर। k की वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन रख दें, सो ये जो वैल्यू है जाएगी, दिस इज लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन जीरो आर। इस ऑप्शन को हम लोग देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन मैच होता है। बस याद ये रखना, ऊपर वाले और नीचे वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगी। ओके फ्रेंड्स, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन था, थियरी का है। यहां पे दे रखा है गैस इज फिल्ड इन अ कंटेनर। फ्रेंड्स ध्यान देना है, इन अ कंटेनर मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी, या हम लोग जिसको हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला होगा एन सी वी डेल्टा टी। सी वी क्यों लिया, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर हमारे पास इन अ कंटेनर बोलेगा वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या चीज़ बढ़ेगी, इसका काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, सो इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। सो हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट है। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को हम देखें तो वो डिक्रीज नहीं होगा, मास क्योंकि एक कंटेनर के अंदर है, मास कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ये हो नहीं सकता। वॉल्यूम कांस्टेंट रख के अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। राइट ऑप्शन इज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इजी क्वेश्चन था, ये बहुत इजी था, सारे बच्चों ने किया होगा। ओके चलें फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वेक्टर डायग्राम देखिए, क्लोज लूप है वेक्टर का, यहाँ से यहाँ तक। हम लोग वेक्टर एडिशन के रूल्स जानते हैं, हेड और टेल से अगर किसी भी वेक्टर को लगा देते हैं तो इसका जो नेट रिजल्टेंट होता है वेक्टर का वो जीरो आता है। तो इसके अंदर में हमारे पास में तीन फोर्सेस हैं, देखिए थ्री फोर्सेस, तीन फोर्सेस हैं F1, F2, F3, इनका वेक्टर सम जीरो है। सो हम ये कहना चाहते हैं F1 प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इन तीनों का जो सम है वो जीरो है, F नेट जीरो है, क्योंकि इस डायग्राम को अगर हम ठीक से देखें तो वेक्टर सम जीरो दिख रहा है, इनका नेट फोर्स जीरो है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसी भी पार्टिकल पर अगर नेट फोर्स जीरो है, यानी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ से, पार्टिकल जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा। जब कोई फोर्स ही नहीं है तो वेलोसिटी चेंज कौन करेगा। सो हमारे पास इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है फोर्थ। फ्रेंड्स, अपने पास एक डिस्क है जिसका मास 100 केजी दे रखा है और इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है एंड रोल्स। तो फ्रेंड्स, अपने को ये याद रखना है, रोलिंग रोलिंग कर रहा है, सो इट हैज गॉट टू काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वन इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड द सेकेंड वन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो हमारे पास में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दो हैं, इनमें अगर हम इसकी वैल्यू निकाल के देखें तो हाफ मास हमारे पास में है 100, वी सी एम हमारे पास में यहाँ दे रखा है, वी सी एम की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो 20 डिवाइडेड बाय 100 यूनिट कन्वर्जन किया होल स्क्वायर प्लस हाफ। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके लिए हमने वैल्यू डाली एम आर स्क्वायर बाई टू, ओमेगा की जगह हमने वैल्यू डाली v बाय आर उसका होल स्क्वायर। ये वैल्यूज इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, अपने पास में यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 जूल। सो हमारे पास में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 3 जूल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी,
फाइनल काइनेटिक एनर्जी वुड बी जीरो। अब अपन सारे बच्चे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम को जानते हैं, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 3 जूल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। अगर हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालें, दैट इज वर्क डन। सो हमारे पास वर्क डन दैट इज डेल्टा के ई, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा, दैट इज 3 जूल। इसके अंदर में आके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारे पास में सेकेंड ऑप्शन सही आता है। सो ये काइनेटिक एनर्जी, बस गलती ये नहीं करनी थी कि हाफ एम वी स्क्वायर ना लेना है, क्योंकि रोलिंग दी है तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों एनर्जी को लेना है। या हम लोग इसमें जनरली टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू बीटा, बीटा दैट इज 3/2, ये हम लगा सकते हैं, तो ये भी एनर्जी इसके इक्वलेंट आती है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपने पास में 3 जूल आ रही है, सो दैट इज द राइट आंसर। दैट्स इट फ्रेंड्स।